कितनी अजीब बात है कि टिकट ना मिलने के बाद में जो नेता हैं, वो जो पिलर रहे हैं अपनी पार्टी के, वो खुद ना केवल बगावत करते हैं बल्कि अपने परिवार की बगावत को सपोर्ट भी करते हैं। और ये चैलेंज केवल कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में भरपूर है। विदिशा के एक बड़े नाम रहे राघव जी भाई, जो प्रदेश के पूर्व मंत्री, कद्दावर मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब उनके परिवार में भी बेटी का टिकट कटा, तो दो कदम आगे जाते ही उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिला दिया कि जो ऑथराइज टिकट होल्डर है उसको आप हराएं। शमशाबाद विधानसभा सीट से सूर्यप्रकाश मीणा का टिकट काटकर राजश्री रुद्र प्रताप को उम्मीदवार बनाया, और पूर्व वित्त मंत्री राघव जी की बेटी ज्योति शाह शमशाबाद से टिकट जिनको मिलना था, दावेदारी करनी थी, नहीं मिला, तो बगावती तेवर उन्होंने अपना लिए और घोषित प्रत्याशी राजश्री रुद्र प्रताप सिंह के खिलाफ मतदान करने की अपील तक उन्होंने बाकायदा सबको करा दी। उन्होंने कहा किसी भी हालत में राजश्री को जीतना नहीं चाहिए, किसी हालत में वो ना जीते, ये वो अपनी तरफ से संकल्प दिला रहे हैं। ये निर्णय तो ले लिया कि जो उम्मीदवार घोषित हुआ है, जिसकी सुन रहे हैं, अगर वही उम्मीदवार रहे तो ये कार्यकर्ताओं का, जनता का फर्ज बनेगा कि उसे हराएं। ये ज्योति का निर्णय था कि मैं पार्टी के अलावा निर्दलीय वगैरह नहीं लड़ूंगी, पार्टी टिकट देगी तो लड़ूंगी।